चीजें हम इसमें याद रखनी है ताकि हम इससे बेटर डील कर पाए ऐसे क्वेश्चंस को, चाहे वो जेईई एडवांस हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो मेंस हो, क्वेश्चन हमेशा इसके नॉर्मल लेवल पे ही क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो लास्ट हमने ये सीखा था कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल किससे निकाला जाता है, तो एलिमेंट क्या बनता है, क्या दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन आखिर इसका मतलब क्या होता है। जैसे सपोज करो आखिर कोई सब्सटेंस है मान लो, ठीक है, और वो रेडियो एक्टिव है, तो रेडियो एक्टिव है उसमें से क्या निकलेंगे, रेडिएशन निकलेंगे। तो रेडिएशन क्यों निकल रही है, अगर सब्सटेंस अनस्टेबल है तो 100% वो क्या होता है, अगर सब्सटेंस अनस्टेबल है तो 100% वो होगा मेरा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होगा। अगर सब्सटेंस स्टेबल है तो उसमें से कभी भी कोई भी रेडिएशन नहीं निकलती है। मान लो सपोज करो एक एलिमेंट है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, उसने रेडिएशन निकाला, रेडिएशन निकाला मतलब अल्फा बीटा निकलने के बाद कोई नया एलिमेंट बनता है, ठीक है, अगेन वो अनस्टेबल है, तो इट मींस वो भी क्या होगा, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा। अगेन उसमें से और रेडिएशन निकलेंगे, मान लो जो मेरा और तीसरा डॉटर एलिमेंट, दो देखो पैरेंट एलिमेंट से एक डॉटर एलिमेंट निकला, और डॉटर एलिमेंट अगेन मेरा पहला डॉटर एलिमेंट अगर रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, फिर से अगर उसमें से क्या होंगे रेडिएशन निकलेंगे, तो दूसरे डॉटर एलिमेंट मिला और आपने ये चेक किया कि वो भी अगर अनस्टेबल है फिर रेडिएशन निकलेगी तो तीसरा डॉटर एलिमेंट बनेगा। अगर वो इन केस मेरा क्या है स्टेबल है, इसका मतलब क्या होगा, रेडिएशन तब तक निकलते जाएंगे, तब तक न्यू एलिमेंट फॉर्म होते जाएगा जब तक मेरा सब्सटेंस रेडियो एक्टिव से नॉन रेडियो एक्टिव ना बन जाए या अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी गेन कर ले। आई पास हमें इसी को हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूं, इफ पैरेंट एलिमेंट इज अनस्टेबल, इफ पैरेंट एलिमेंट इज अनस्टेबल, इफ पैरेंट एलिमेंट इज अनस्टेबल एंड रेडियो एक्टिव एंड रेडियो एक्टिव एक्टिव and radioactive then it will emit radiation, then it will emit radiation, it will emit radiation, it will emit radiation and convert into new element and convert into new element convert into new element and if that new element and if that new element if that new element is unstable then it will again then it will again then it will again then it will again convert into new daughter element and this process is continuous till the formation of stable element। ठीक है, अब क्या होता है, अब ऐसे ऐसे करने से क्या होता है, एक सीरीज ऑफ एलिमेंट एक बार पैरेंट एलिमेंट से डॉटर एलिमेंट बन पे गया, वो भी अगर रेडियो एक्टिव है और अनस्टेबल है, फिर वो डॉटर एलिमेंट टू में जाएगा, डॉटर एलिमेंट टू से डॉटर एलिमेंट थ्री, तो इस तरीके से एक सीरीज ऑफ एलिमेंट बनता है, इसे हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज लिख देते हैं बेसिकली इस टॉपिक को। ठीक है, तो सीरीज ऑफ एलिमेंट ऑब्टेंड फ्रॉम अनस्टेबल रेडियो एक्टिव एलिमेंट, अनस्टेबल रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट टू स्टेबल नॉन रेडियो एक्टिव, याद रखना
अनस्टेबल से स्टेबल नॉन रेडियोएक्टिव एलिमेंट तक चलते रहता है सीरीज, ठीक है, नॉन रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज नोन एज रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज, आरडीएस। वहां पे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता था, यहां पे आरडीएस अलग होता है, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है इसमें, देयर आर फोर सीरीज, चार सीरीज होते हैं इस टाइप के, ठीक है। पहला सीरीज होता है 4n, 4n+1, 4n+3, 4n+2, 4n+2, 4n+3, out of which 3 are, चलो ये पॉइंट में यहां पे थोड़ा डिस्टेंस दे दो, इसको मैं समझाता हूँ, ठीक है। अब चार सीरीज है आपके पास, 4n, 4n+1, ठीक है, तो मैं टेबल भी लिख देता हूं, ठीक है। सीरीज हुआ नेम, ठीक है, स्टार्टिंग एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल और नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल कितने होंगे, ठीक है। आपके पास सीरीज है 4n, ठीक है, 4n+1, ठीक है, 4n+2, ओके, नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट 4n+3। आखिर 4 ही क्यों लिया मैंने, ठीक है, आखिर ऐसे क्या दिख रहा है आपका ऐसा सीरीज, तो आपको पता होगा कि ये सीरीज कब ऑब्टेंड होता है, ये सीरीज ऑब्टेंड होता है 4 को डिवाइड करने से, किसी का एटॉमिक मास को 4 से डिवाइड करने पर आपको क्या मिल सकता है। देखो पहली बात, अगर मैं किसी नंबर को बोलता हूँ कि आप किसी नंबर को 4 से डिवाइड करिए, तो दो बातें होंगी, क्या तो रिमाइंडर 1 होगा, या तो रिमाइंडर क्या हो सकता है 0, या तो सॉरी क्या क्या पॉसिबिलिटी किसी एक नंबर को 4 से डिवाइड करने में, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो रिमाइंडर 0 होगा, या तो रिमाइंडर 1 होगा, या तो रिमाइंडर 2 होगा, या तो रिमाइंडर 3 होगा, लेकिन रिमाइंडर 4 नहीं हो सकता। इसलिए अगर 0 रिमाइंडर है तो सीरीज कौन सा होगा, 4n, 1 रिमाइंडर है तो 4n+1, 2 रिमाइंडर है तो 4n+2, और 3 है तो 4n+3। अब इसमें इसलिए क्या होता है, आउट ऑफ विच देयर थ्री आर नेचुरल सीरीज, ठीक है, 3 are natural series, 3 कौन से, 4n, 4n+1, 4n+3, ये सारे natural series होते हैं, while 4n+2 होता है natural, और while 4n+1 क्या होता है मेरा, is artificially made। अब ये सीरीज को बोलते हैं, ये भी मैं आपको समझाऊं, ठीक है। तो फोरन सीरीज में जो पहला एलिमेंट होता है वो होता है थोरियम होता है, क्या होता है, थोरियम, ठीक है, स्टार्टिंग एलिमेंट थोरियम होता है, TH 90 232, ठीक है। इसमें होता है नेपच्यूनियम NP 93 237, ठीक है। इसमें होता है यूरेनियम का 92-238, ठीक है, और ये होता है एक्टिनियम, जिसको हम लोग बोलते हैं यूरेनियम 235, ठीक है। और इसमें लास्ट एलिमेंट होता है पीबी। याद रखना एक इंपॉर्टेंट बात, किसी भी नेचुरल रेडियो एक्टिव सीरीज का स्टार्टिंग एलिमेंट उसका ये तीन रहेगा, यूरेनियम 238, यूरेनियम 235, थोरियम 232, लेकिन उसका लास्ट एलिमेंट हमेशा लेड होगा, तो पहचाने का अपना तरीका होता है नेचुरल और आर्टिफिशियल में, ठीक है। ये 82-208, ठीक है, ये 83 नहीं, ये भी 82 ही होगा, 206, ठीक है, 82 207, और ये होता है बिस्मथ 83 209, ठीक है।
अब आखिर ऐसे सीरीज क्यों बोला गया, तो समझे बात को। अगर आप 232 को 4 से डिवाइड करते हो तो कितने टाइम्स में कैंसिल होता है ये, मतलब कितना आपको रिमाइंडर बचा, 232 डिवाइडेड बाय मतलब 4 5 जा और 5 जा और 8 जा, मतलब टोटली रिमाइंडर जीरो हो रहा है। तो इसका अगर मुझे लेड पे जाना है, मुझे सपोज करो लेड पे जाना है, तो 208 को भी आप 4 से डिवाइड करो, 208 को भी आप 4 से डिवाइड करते हो तो आपको कितना मिलेगा रिमाइंडर, क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो इस सीरीज का कोई भी एलिमेंट लोगे उसका रिमाइंडर हमेशा जीरो रहेगा, ठीक है, पहली बात। और आपको यहां से यहां जाना है तो सपोज करो अगर मैंने 232 से एक अल्फा पार्टिकल निकाला, तो एलिमेंट मुझे पता है एक अल्फा पार्टिकल निकालने से एटॉमिक मास 4 से डिक्रीज करता है, 232 से कहां जाएगा 228 से कहां जाएगा 224 से 220 216 216 से 212 और 208, ठीक है। मतलब ऐसे मुझे कितने अल्फा पार्टिकल निकालने पड़ेंगे, ऐसे टोटल 6 अल्फा पार्टिकल निकालने पड़ेंगे, कितने अल्फा पार्टिकल निकालेंगे 6। तो इसीलिए मैंने इस ये वाला क्वेश्चन आपको पहले दे दिया था, इसमें 6 निकले थे, इसमें 4 निकले थे, इसमें 7 निकले थे, इसमें 4 निकले थे, इसमें 8 निकले थे, इसमें 6 निकले थे और इसमें 7 निकले थे और इसमें 4 निकले थे। तो ये हमने पहले ही चेक कर लिया था, ठीक है। ओवरऑल कहने का मतलब है इस सीरीज का कोई भी एलिमेंट को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 ही बचेगा, चाहे फर्स्ट हो, चाहे लास्ट हो, चाहे मिडिल सीरीज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस सीरीज का विषय में चाहे फर्स्ट हो, चाहे लास्ट हो, चाहे मिडिल वाला हो, रिमाइंडर हमेशा डिवाइड 4 को डिवाइड करने पे कितना मिलेगा आपको, 2 ही मिलेगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिवेशन डिसइंटीग्रेशन सीरीज बोलते हैं। आई बात समझ में सबको, कोई डाउट यहां तक? चलो अगर आपको यहाँ तक पूरा चीज समझ में आ गया है तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, आइसोसीरीज। क्या है मेरा, आइसोसीरीज। तो ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है, हालांकि आइसोसीरीज को मैंने आपको बहुत डिटेल में पहले ही पढ़ा दिया था एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे आप यूज कैसे उन चीजों का वो इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है, उनका यूज आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आइसोसीरीज। आइसोसीरीज मतलब सेम ही हमको हमको पहले से पता है। तो पहला है मेरा आइसोटोप्स, क्या है मेरा आइसोटोप्स, ठीक है। आइसोटोप्स क्या होता है, चलो आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोटोप्स मतलब सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप बोलते हैं। मतलब जेड अगर एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ऐसे देखा जेड सेम हो जाएगा, ए मतलब न्यूक्लियॉन्स को डिनोट करता है, मास नंबर क्या डिनोट करता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को डिनोट करता है, मतलब वो न्यूक्लियॉन्स को डिनोट करता है, ठीक है। मतलब ये क्या रहेगा, ये डिफरेंट रहेगा, ए माइनस जेड भी क्या रहेगा आपका डिफरेंट रहेगा, ठीक है। चलो इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, एग्जाम्पल मेरा क्या होगा, H11, H12 और H13, ठीक है। सेकेंड हमने क्या देखा था, सेकेंड हमने देखा था आइसोटोन्स देखा था, क्या देखा था, आइसोटोन्स। आइसोटोन्स मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो जेड मेरा अगेन क्या रहेगा, इसमें डिफरेंट रहेगा, ए अगेन मेरा क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, बट ए माइनस जेड मेरा क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो ऑक्सीजन 8 और 18, फ्लोरीन 9 और 19, तो इनका ही माइनस जेड की वैल्यू क्या है मेरा, सेम है, ठीक है। तीसरा आइसो सीरीज में जो आ जाता है वो आता है मेरा आइसोबार्स आता है, ठीक है। आइसोबार्स में मतलब क्या आता है, एटॉमिक मास सेम रहता है, एटॉमिक मास क्या रहता है मेरा, सेम रहता है। एटॉमिक मास सेम होने का मतलब अगेन जेड मेरा डिफरेंट रहेगा, ए मेरा क्या रहेगा, सेम रहेगा, और ए माइनस जेड क्या रहेगा मेरा, डिफरेंट रहेगा, ए माइनस जेड मेरा डिफरेंट रहेगा। इसके एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो एर्गन 18 और 40 होता है, कैल्शियम 20 और 40 होता है, आइसोबार्स का एग्जांपल हो गया मेरा, ठीक है। फोर्थ मेरा क्या है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में। इसके एग्जांपल में जैसे बात करूं, जैसे Na+ में कितने हैं, 10 है, Mg+2 में भी कितने हैं, 10 है, ठीक है, Al+3 में भी कितने हैं, 10 है, नियॉन में भी कितने, 10 है, F- में भी कितने, 10 है, O2- में भी कितने, 10 है, और N3- में भी कितने हैं, 10 है। तो ये सारा का सारा सीरीज किसका है, ये सारा का सारा सीरीज आइसोइलेक्ट्रॉनिक का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है मेरा, आइसोस्ट्रक्चरल
स्ट्रक्चर नाम से समझ में आ रहा है, सेम स्ट्रक्चर, ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे कंपाउंड जिनके क्या हो सेम स्ट्रक्चर हो, उनको हम क्या बोल सकते हैं, आइसोस्ट्रक्चर बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल की मैं बात करूँ, CO2 का लीनियर होता है, वैसे C2H2 का भी क्या होता है, लीनियर। तो बोथ आर क्या है मेरे, आइसोस्ट्रक्चरल है, क्या है मेरे, आइसोस्ट्रक्चरल है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आइसोस्ट्रक्चर हो गया। सिक्स्थ आपका, सिक्स्थ सीरीज है आइसोडाइपर्स, क्या है आपका, आइसोडाइपर्स। आइसोडाइपर्स में क्या होता है, देखो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस सेम रहेगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का क्या रहेगा, डिफरेंस सेम रहेगा। तो मैं लिख देता हूं हैविंग सेम डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटोन, मतलब एन माइनस पी का जो डिफरेंस है वो दोनों में क्या रहता है, सेम रहता है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं इसके बात करूँ डिटेल में, अगर मैं इसकी डिटेल में बात करूँ तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, जेड सेम, सॉरी जेड मेरा क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। ठीक है, जेड डिफरेंट रहेगा, ए माइनस ए भी क्या रहेगा मेरा, डिफरेंट रहेगा, ए माइनस जेड भी क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। ठीक है, बट न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को मैं कैसे डिनोट करता हूँ, ए माइनस जेड, और प्रोटॉन को मैं कैसे डिनोट करता हूँ, माइनस जेड, मतलब ए माइनस टू जेड, ये क्या रहता है आपका, सेम रहता है। ए माइनस टू जेड जो रहेगा वो मेरा क्या रहता है, आइसोडाइपर्स के लिए सेम होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल की बात करूं, फ्लोरिन 9 और 19, पोटेशियम 19 और 39, तो ए माइनस टू जेड मतलब कितना हो जाएगा, ए मतलब इसका इसका है ए एटॉमिक मास 19 माइनस 9 इनटू 2 18, तो ये कितना होगा 1 होगा। इसका भी कितना 39 मतलब 2 इनटू 19, ये भी कितना होगा 1 होगा। तो समझ लो प्रो ए माइनस 2 जेड की वैल्यू क्या रहेगी, उनकी सेम रहेगी। तो दिस इज योर आइसोडाइपर्स। क्वेश्चन 7 सीरीज है आपका आइसोस्टर्स, आइसोस्टर्स। ठीक है, आइसोस्टर्स मतलब ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल जिनका सेम नंबर ऑफ एटम हो, इलेक्ट्रॉन भी सेम हो। ठीक है, तो लिख देता हूं इसमें हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम, हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोस्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, आइसोस्टर्स। इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो N2O एंड CO2, अगर मैं इसके एटम्स की बात करूँ तो इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। इलेक्ट्रॉन की बात करो तो 14 प्लस 8 कितना होता है, 22 होता है, और इसमें कितना 16 प्लस 6 कितना होता है, अगेन 22। तो N2 और CO2 एक दूसरे के क्या है, आइसोस्टर्स है। ठीक है, 8 है आपका आइसोमर्स, जो मैं अभी कुछ नहीं जाऊंगा, मुझे पता है आपने ऑलरेडी ऑर्गेनिक में कवर किया है, तो बस ये सीरीज है इसलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आइसोमर्स। मेन हमारे लिए क्या है, न्यूक्लियर आइसोमर्स, क्या होता है, न्यूक्लियर आइसोमर्स। न्यूक्लियर आइसोमर्स क्या होता है देखो, ठीक है, पहले डेफिनेशन लिख देता हूं, सब्सटेंस हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, एंड मास नंबर बट डिफरेंट हाफ लाइफ टाइम एंड रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन आर नोन एज न्यूक्लियर आइसोमर्स, आर नोन एज न्यूक्लियर आइसोमर्स। ऐसा सब्सटेंस जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो मेरा, सेम हो, एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन हाफ लाइफ टाइम डिफरेंट होना चाहिए, और रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, जैसे रेट ऑफ रिएक्शन होता है वहां पे हमारा, ठीक है,
वैसे यहाँ पे रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन हम बोलते हैं, ठीक है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, तब हम उसको क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियर आइसोमर्स बोलते हैं बस। हालांकि आपको डेफिनेशन ही आपको याद रखनी है, बहुत ज्यादा चीजें हमारे हमारे नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्मेशन ऑफ आइसोबार एंड आइसोडाइफर्स, फॉर्मेशन ऑफ आइसोटोप आइसोबार एंड आइसोडाइफर बाय एमिशन ऑफ अल्फा बीटा पार्टिकल, ठीक है। आपको अल्फा बीटा पार्टिकल एमिशन करके आपको क्या फॉर्म करना है, आइसोटोप आइसोबार एंड आइसोडाइफर्स फॉर्म करना है, तो आप कैसे करोगे, चलो ठीक है देख लेते हैं। ठीक है, चलो अगर मैं बात करूं अगर मैं इन चीजों की, ठीक है, आइसोबार्स की बात करूं, ठीक है, आइसोबार्स की अगर मैं बात करूं, आइसोबार्स में क्या होता है, आइसोबार्स में एटॉमिक मास मेरा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब समझो, या तो आपको अल्फा अल्फा निकालना है पैरेंट एलिमेंट से, या तो पहले पैरेंट एलिमेंट से डॉटर एलिमेंट में जाना है, लेकिन आपको फॉर्मेशन क्या करना है उनका, आइसोबार्स मतलब उनका एटॉमिक मास सेम होना चाहिए, मतलब आप ये तो पक्का श्योर है कि अल्फा पार्टिकल उससे नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपको पता अल्फा पार्टिकल निकालने का मतलब ये है कि एटॉमिक नंबर में भी कितना डिफरेंस आएगा, 2 का, और एटॉमिक मास में डिफरेंस कितना आएगा, 4 का, तो अल्फा पार्टिकल इज द बैड ऑप्शन। तो हम किससे जा सकते हैं, बीटा पार्टिकल से। बीटा पार्टिकल से क्या होगा, ऊपर में तो कोई चेंज नहीं होगा, एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं होगा, भले एटॉमिक नंबर में चेंज आ सकता है, तो पर हमें मतलब सिर्फ एटॉमिक मास से, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं पैरेंट एंड डॉटर एलिमेंट आर आइसोबार्स ऑफ ईच अदर इफ पैरेंट एलिमेंट्स ओनली, सिर्फ बीटा पार्टिकल एमिट करने से ही क्या होगा, आइसोबार्स बनेगी। जैसे एक्स कोई मेरा पैरेंट एलिमेंट है, जेड है और ए है, और वो क्या कर रहा है, एक बीटा पार्टिकल निकाल दिया, तो यहाँ पे कितना हो सकता है, मुझे पता है कि ये एक एटॉमिक नंबर इसका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और ऊपर कितना आ जाएगा ये, तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, आइसोबार्स हो जाएंगे। क्या एक बीटा पार्टिकल 4 भी कर सकता है, 5 भी कर सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो एक दूसरे के क्या होंगे, आइसोबार्स हो सकते हैं, ठीक है, आई बात समझ सबको, ठीक है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गया है, तो नेक्स्ट है हमारा आइसोडाइफर्स, ठीक है, सेकंड है हमारा आइसोडाइफर्स। आइसोडाइफर्स में क्या करना है, a-2z की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। अब समझो, मतलब ये है कि ये जितना होगा ये उसका हाफ होना चाहिए, मतलब जितना चेंज एटॉमिक मास में आएगा उतना ही इक्वल चेंज अगर मेरा एटॉमिक नंबर में चेंज हो तो मेरा ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे सपोज करो एटॉमिक मास में चेंज आ रहा है 10 का, और अगर तो अगर 10 का मैंने क्या बोला, अगर इसमें जो चेंज आएगा उसका उतना हाफ चेंज होना चाहिए, तो इसमें 10 का चेंज आएगा और जेड में चेंज आ रहा है 5 का, तो ऑब्वियस सी बात है 10 5 × 10 और 10 − 10 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा, एक तरीके से अल्फा पार्टिकल बोल सकता हूं, क्यों, ऊपर 4 रहता है नीचे 2 रहता है, तो ये ऊपर ट्वाइस, ऊपर जितना दुगना रहता है उसका हाफ नीचे रहता है, ऑब्वियस सी बात है मैं अल्फा पार्टिकल के एमिट करने से क्या कर सकता हूं, आइसोडाइफर्स मिला सकता हूं, क्योंकि देखो ना 1:2 का रेशियो a और 2 का, अगर मैं इसको 0 पुट कर दूं तो a/z का रेशियो कितना आएगा, 1:2, और अल्फा पार्टिकल ऑलमोस्ट में क्या रेशियो क्या रहता है, 4:2 का ही तो रेशियो रहता है, 1:2 का रेशियो रहता है, तो मिलिंग के जब पैरेंट और ये आइसोडाइफर्स का बना सकते हैं, अल्फा पार्टिकल के एमिट करने से हमें क्या बनता है, आइसोडाइफर्स बनता है, ठीक है। तो पैरेंट एंड डॉटर एलिमेंट आर आइसोडाइफर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ पैरेंट एलिमेंट एमिट अल्फा पार्टिकल, पैरेंट एलिमेंट एमिट अल्फा पार्टिकल, मतलब एक्स की वैल्यू हुई इसे, ठीक है, ये हो जाएगा
जेड और ये हो जाएगा ए। मैंने क्या निकाला, अल्फा अल्फा पार्टिकल निकाला, मतलब हीलियम 2 4, हीलियम 2 4 निकाला। अब यहाँ पे कितना चेंज आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए जेड माइनस टू का और यहाँ पे कितना आना चाहिए ए माइनस फोर का। ऑब्वियस से बात, अब देखो यहाँ पे तो ऑलरेडी ए माइनस ए तो एज इट इज है, टू माइनस टू जेड क्या रहेगा, सेम रहेगा। ए माइनस टू जेड तो एज इट इज, सॉरी सेम नहीं, ए माइनस टू जेड तो एज इट इज ए माइनस टू जेड रहेगा। अब यहाँ पे देखो ए यहाँ पे कितना है, ए है मेरा ए माइनस फोर माइनस जेड माइनस टू इन सॉरी ए सॉरी माइनस टू, ए की जगह मैं क्या लिखूंगा, ए माइनस टू जेड की जगह, ए की जगह मैं, अब मेरा क्या हो गया न्यू एटॉमिक मास ए माइनस फोर हुआ, अब माइनस टू जेड, जेड की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ जेड माइनस टू, तो ये क्या हो जाएगा ए माइनस फोर टू, ए माइनस फोर माइनस टू जेड माइनस माइनस प्लस फोर प्लस फोर प्लस फोर का अगेन क्या हो जाएगा ए माइनस टू जेड। तो आपको हम प्रूफ करके बता दिया कि एक अल्फा पार्टिकल निकलने से क्या होता है, एक दूसरे के क्या बन सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स कि ए माइनस टू जेड की वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल बेसिकली आप ऐसा स्टेटमेंट दे सकते हो, अल्फा पार्टिकल के निकलने से आइसोडायट्रिक्स का फॉर्म होता है पैरेंट एलिमेंट और डॉटर एलिमेंट में, बट शर्त यह है कि वो कितना निकालेगा वो डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, बट याद रखना अल्फा पार्टिकल निकलने से आइसोडायट्रिक्स बनता है, बीटा पार्टिकल के निकलने से आइसोबार्स निकलता है। अब इस कहानी का ट्विस्ट है यहाँ पे आइसोटोप, आइसोटोप में क्या होना चाहिए, जेड सेम होना चाहिए। जेड सेम कैसे कर सकते हैं मुझे बताओ, अगर बीटा पार्टिकल निकाला तो जेड डिफरेंट होगा और अल्फा पार्टिकल निकाला तो भी जेड डिफरेंट होगा, दोनों निकाले तब भले हो सकता है कि एक अल्फा निकल रहा है तो एक अल्फा के निकालने से जेड में कितने का चेंज आएगा, दो का, दो का घटेगा, मतलब दो से घट जाएगा, लेकिन अगर दो बीटा भी निकलेगा तो अगेन जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी सेम, क्योंकि बीटा निकलने से जेड में प्लस में जाता है वैल्यू और अल्फा निकलने से जेड में माइनस में जाता है वैल्यू, बराबर। तो दोनों का चेंज क्या हो जाएगा, नेगलिजिबल हो जाएगा, जिसका मतलब मैं बोल सकता हूँ पैरेंट एलिमेंट डॉटर एलिमेंट आइसोटोप तभी हो सकता है जब अल्फा और बीटा का जो, अगर अल्फा बीटा दोनों एमिट करे बट 1:2 के रेशियो में, अल्फा 1 होना चाहिए तो बीटा उसका ट्वाइस होना चाहिए, तभी ये दोनों एक दूसरे के क्या बन सकते हैं आइसो टॉप्स बन सकते हैं, ठीक है। तो लिख देता हूं मैं, पेरेंट एंड डॉटर एलिमेंट आर आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स ऑफ ईच अदर, आइसोटॉप्स ऑफ ईच अदर इफ पेरेंट एलिमेंट एमिट्स अल्फा एंड बीटा पार्टिकल इन 1:2 का रेशियो में, 1:2 के रेशियो में अगर ये करते हैं तो जैसे x z a, ठीक है, पहला निकला मेरा अल्फा पार्टिकल 2 4, ठीक है, और उतना ही दुगना निकला मेरा e माइनस 1 0, तो अगेन यहाँ पे कितना आएगा y, हाँ ये भले चेंज हो जाएगा बट z की वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, z के वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। तो 1 अल्फा पार्टिकल हुआ तो 2 बीटा पार्टिकल हुआ, तब मेरा क्या बनता है आइसोटोप्स बनता है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। चलो अगर यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है तो इसको मैं ना कर देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, मान लो अगर ये पेरेंट एलिमेंट है, आपको क्या बनाना है आइसो बार बनाना है, आपको क्या बनाना है आइसो डाइफर बनाना है, और आपको क्या बनाना है आइसो टॉप बनाना है। तो आपको ये आइसो बार बनाने के लिए कितना बीटा पार्टिकल का एमिशन करना पड़ेगा, ठीक है, बीटा पार्टिकल का एमिशन करना पड़ेगा। आइसोडाइपर के लिए क्या करना पड़ेगा, अल्फा पार्टिकल का एमिशन करना पड़ेगा, और आइसोटॉप्स के लिए अल्फा इज टू बीटा का रेशियो कितना होना चाहिए 1:2
टू का रेशियो होना चाहिए, तब जाके क्या बनता है आपका आइसोटोप बनता है, क्या बनता है आपका आइसोटोप बनता है। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको पैटर्न समझ में आए और अच्छे से, ठीक है। जैसे सपोज करो क्वेश्चन है मेरा यूरेनियम 92 और 235, ठीक है। इसमें से -5 अल्फा निकला और 4 बीटा पार्टिकल एमिट हुए, तो एक्स एलिमेंट फॉर्म हुआ, ठीक है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एक्स, ठीक है। सेकेंड बोल रहा है टू विच सीरीज एलिमेंट एक्स बिलोंग, ठीक है। थर्ड है आपका व्हाट इज द ग्रुप नंबर पीरियड एंड ब्लॉक, ठीक है। तो ऑलरेडी आसान है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझो बात को। थोड़ा आसान क्वेश्चन है बेटा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। यूरेनियम है आपके पास 92 235, ठीक है। 5 अल्फा का निकला, इसका मतलब ये हुआ कि एटॉमिक मास में तो चेंज कितना आएगा, एटॉमिक मास में चेंज सीधा आ जाएगा 5 4 20, तो ये कितना हो जाएगा 215, ठीक है। अब जो तुमको डिसाइड करना है वो एटॉमिक नंबर में डिसाइड करना है, ठीक है। 5 अल्फा निकला मतलब एटॉमिक नंबर का चेंज कितना आना चाहिए था, 10 से चेंज आना चाहिए था, तो 92 से सीधा चला गया 82, बट इसको कंपनसेट करने के लिए 4 बीटा पार्टिकल में निकला, मतलब 4 से बढ़ जाएगा, तो 82 से कितना हो जाएगा 86 हो जाएगा, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 215 - 86, तो ये जो आंसर आता है, ये आंसर आता है आपका 129, ठीक है। और आपको पता ही है 230 आप किस सीरीज से बिलोंग करते हैं, 235 को डिवाइड कर दीजिए किससे, 4 से, तो कितना हो जाएगा, ये रिमाइंडर कितना बचेगा इसका, 4 8 32 4 8 32 3, तो 4n+3 4n+3, मतलब 4n+3 सीरीज का ये क्या होगा मेंबर था। आप इसको भी डिवाइड करोगे तो भी 4n+3 ही आएगा, हमें पता है कि इस सीरीज का हर एलिमेंट का रिमाइंडर कितना रहेगा, 3 होगा, ठीक है। और टू व्हाट एक्सटेंट का मुझे पता है, एट 86 नंबर कितना होता है रैंडम का नंबर, अगर रैंडम का नंबर होता है इसका मतलब ग्रुप कितना हुआ मेरा, ग्रुप हुआ 18, ब्लॉक कितना हुआ मेरा, ब्लॉक हुआ P, और पीरियड नंबर कितना है मेरा इसका 6, पीरियड मेरा कितना है 6 है, ठीक है। चलो यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन लॉ, मतलब RDL शॉर्ट फॉर्म में मैं इसको लिख सकता हूं। अब तक आपने क्या पढ़ा था, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज पढ़ा था, लॉ नहीं पढ़ा था, ठीक है। अब हमारा लॉ है क्या कि रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज कहता क्या है, ठीक है। तो कुछ नहीं कहता कि रेट ऑफ, जैसे समझो इसको समझाने तौर पे, जैसा कि सपोज करो ये कोई है प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, ये कोई रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, तो टाइम t इक्वल टू 0 पे न्यूक्लियाई n नॉट था, और टाइम t पे N1 मान लो N1 एटम्स क्या हो चुके हैं, डिसइंटीग्रेट हो गए, डिसइंटीग्रेट वहां पे, अब यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन ही आएगा मेरा, यहां पे आएगा डिसइंटीग्रेशन आएगा, ठीक है। तो N1 एटम डिसइंटीग्रेट हुए तो यहां पे बनेंगे कितने, N1 एटम ही बनेंगे, ठीक है। तो ये सपोज करो ये जो बन रहे हैं मेरे, इसको मैं N मानता हूं, एन टी टाइम पे मेरा जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बचा हुआ है, ये नंबर ऑफ एटम बचा हुआ है, इसको मैंने N माना, ठीक है। तो यहां पे जो होता है मेरा रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन के क्या होता है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन को हम डिफाइन करते हैं -dN/dt से, इसे डिफाइन करते हैं -dN/dt से, या इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिविटी भी बोला जाता है इसी को, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन को ही क्या बोलते हैं, एक्टिविटी भी बोलते हैं। तो यहां तक चार प्यारे बच्चों मुझे लगता समझ में आ गया होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन की जगह क्या हो गया, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, कि कितने एटम मेरा डिसइंटीग्रेट हो रहा है, मतलब निकल रहे उसमें से। आप समझ रहे हो डिसइंटीग्रेशन का मतलब, अपने आप पार्टिकल निकल रहे उसमें से, तो ऑब्वियस सी बात है उसके एटम धीरे-धीरे क्या होते जाएंगे, घटते जाएंगे।
जस्ट इमेजिन करो कि पार्टिकल निकल रहा है ऑलमोस्ट उसमें से, ऐसा एक सब्सटेंस है जिसमें रेज निकल रही है, तो धीरे धीरे कण छोटे 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 पार्टिकल उस बड़े से मास से निकल रहे, छोटे छोटे एकदम, जो आपने देखा होगा जब सनलाइट आती है तो कैसे सनलाइट में छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, उसी तरह सबसे जो रेज निकल रही है उसमें से अल्फा बीटा गामा रे एमिशन निकल रहा है, तो सब छोटे छोटे पार्टिकल भी क्या हो रहे हैं, एमिट हो रहे हैं उसमें से, ठीक है, छोटे छोटे, मतलब उसी को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, मतलब एटम डिसइंटीग्रेट कर रहे हैं उसमें से, उस मास में बड़े से मास से एटम क्या कर रहे हैं, डिसइंटीग्रेट कर रहे हैं, और रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस डीएन बाई डीटी, वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता था, माइनस डीए बाई डीटी, तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, डीएन बाई डीटी हो जाएगा, जिसको हम एक्टिविटी भी कहते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिविटी भी। तो क्या कहता है, पहले मैं लॉ देख देता हूं, अकॉर्डिंग टू आरडीएल, अकॉर्डिंग टू आरडीएल, ठीक है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ एनी रेडियोएक्टिव एलिमेंट, रेडियोएक्टिव एलिमेंट ऑफ एनी रेडियोएक्टिव एलिमेंट, किसी भी रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन या एक्टिविटी किसी भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट का इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, number of nuclei of radioactive element remaining at that time, obvious बात है, किसी का भी rate of disintegration, किसी भी रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन किसी भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट का किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कि आपके पास नंबर ऑफ न्यूक्लियर बचा कितना है उस टाइम पे, भैया इतना तो जा चुका है, ये तो खत्म हो चुका है, ये वाला पार्ट क्या हो चुका है, N1 पार्ट खत्म हो चुका है, मतलब डिसइंटीग्रेट किया, अब इसी के ऊपर ही तो आपका रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन डिपेंड करे, भाई इतना न्यूक्लियर या इतना नंबर ऑफ एटम आपका बचा उस टाइम पे, तो सिंपल सा मीनिंग है कि dN / dt जो होगा मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका होगा, n टाइम n के बराबर, जो मेरा n बचा है, n नॉट माइनस n1 के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, n1 n नॉट माइनस n1 के बराबर, ठीक है, एट एनी टाइम ये होगा, ठीक है, और आपको ये किसके जैसा दिख रहा है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के जैसा दिख रहा है, ऑब्वियस बात है किसके जैसा, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के जैसा है, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं हेंस ऑल रेडियो एक्टिविटी, इसका मतलब हर कोई रेडियो एक्टिविटी कैसा रहेगा, सेम ही ऐसा रहेगा, भैया किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का ले लो, कोई भी ले लो, तो सबका डिसइंटीग्रेशन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कि भाई उस टाइम पे उसका न्यूक्लियाई कितना बच रहा है, ये कितने नंबर ऑफ एटम उसके बच रहे हैं, ठीक है, तो वो हमेशा, ये तो मैं बोल सकता हूं हेंस ऑल रेडियो एक्टिविटी phenomenon, hence all radioactive phenomena always follow first order kinetics, FO के लिख दिया मैंने, ठीक है, क्या follow करेगा, first order kinetics follow करेगा, ठीक है, अब याद करिए वहां पे जब मेरा proportionality sign हटता था तो K आता था, तो यहाँ पे proportionality sign हटेगा तो K की जगह मैं क्या लिखूंगा, lambda n, ये आपका पहला फॉर्मूला है, ठीक है, ये पहला फॉर्मूला है, ये आपका दूसरा फॉर्मूला है, ठीक है, अब क्या है, ठीक है, अब लैम्डा क्या होता है, वहां पर रेट कांस्टेंट होता है, यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं या डीके कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूं वेयर लैम्डा इज अ कांस्टेंट नोन एज डीके कांस्टेंट और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है, पहली बात, ठीक है, आखिर रेट ऑफ रिएक्शन में और एक्टिविटी में क्या फर्क है, या रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन और रेट ऑफ
रिएक्शन में क्या फर्क, आखिर क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस क्या है इनके बीच में। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने की कोशिश करिए। तो आपको याद होगा मैंने वहां पे सिखाया था कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, प्रेशर पर डिपेंड करता है, वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, कैटलिस्ट पर डिपेंड करता है, इन चीजों पर डिपेंड करता है। बट एक्टिविटी को कोई मतलब नहीं होता कि वो कितने भी टेम्परेचर पे रखो, कितने भी प्रेशर में रखो, कोई फर्क नहीं है। अगर मैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट हूँ, मुझे किसी भी कंडीशन पे दो, मेरा काम एक ही है, रेडिएशन एमिट करना, वो मैं करूंगा। चाहे यूरेनियम को आप कजाकिस्तान ले जाओ, या यूरेनियम को रशिया ले जाओ, या यूरेनियम को आप ऑस्ट्रेलिया ले जाओ, या अफ्रीका ले जाओ, वो रेडिएशन उसी स्पीड में और उसी तरीके से एमिट करेगा, उसको कंडीशन से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, हाँ बस ये होगा कि उस किसके ऊपर डिपेंड कर भाई, उस टाइम पे उसके पास न्यूक्लियाई कितना बचा है, जितना बचेगा उसके साथ वो कर देगा, बस उसी कंडीशन पे डिपेंड, बाकी कोई कंडीशन पे वो डिपेंड नहीं करता। ठीक है, दूसरी बात और एक ये भी है कि वहां पे रेट कांस्टेंट जो था टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाता था, बट यहाँ पे डीके कांस्टेंट अपने आप देखो एक क्वालिटी है इसकी, ये टेम्परेचर के साथ चेंज ही नहीं करता, ये कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट है। तो अगर ये कांस्टेंट है तो दो एक बात हमें क्या सीखने मिल रही है कि टेम्परेचर के साथ चेंज करता है, इसका मतलब आप किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के हाफ लाइफ को आप टेम्परेचर के साथ क्या करवा सकते हो, वेरी करवा सकते हो। के टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर कैटलिस्ट के साथ के की वैल्यू चेंज होती है, इसका मतलब हाफ लाइफ को आप चेंज कर सकते हो किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को। लेकिन किसी भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन या न्यूक्लियर रिएक्शन में या यूरेनियम जो भी मेरा जा रहा है, इसका मतलब ये होगा कि यूरेनियम अगर रेडिएशन एमिट कर रहा है, वट एवर जो भी चीजें हो रही है, रेडियो एक्टिविटी हो रही है या एक्टिविटी हो रही है या डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, इसका मतलब उसका हाफ लाइफ पहले से फिक्स है। और हाफ लाइफ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सेम फर्स्ट ऑर्डर लैम्डा के ऊपर डिपेंड करेगा, 0.693 बाय क्या आता था, यहाँ 0.693 बाय लैम्डा आएगा। लेकिन लैम्डा ना टेम्परेचर पर डिपेंड करता है ना कैटलिस्ट पर डिपेंड करता है, इसका मतलब यूरेनियम वगैरह का हाफ लाइफ पहले से फिक्स होता है, उसको आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। बट आप नॉर्मल रिएक्शन में किसी का भी हाफ लाइफ को चेंज कर सकते हो, फर्स्ट ऑर्डर को स्पेशली, फर्स्ट ऑर्डर का ऑब्वियस बात आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये अपने आप एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, एक्टिविटी ऑफ एनी रेडियोएक्टिव सैंपल, activity of any radioactive sample is independent from is independent from external factor external factor external factor like temperature, pressure and volume, catalyst, etc. It depends only on, it depends only on number of nuclei. It depends only on number of Next, decay constant or disintegration constant of any radioactive element. Radioactive element is always fixed, does not changes with temperature and catalyst. Temperature और catalyst के साथ change नहीं करता है, ये इसमें अपने आप में quality होती है, आशत होती है। ठीक है, तो अब इसमें बस अब कुछ नहीं, अब derivation करना है, वो same derivation है जैसे first order में हमने किया था ना, same derivation यहाँ पे भी है, बहुत ज़्यादा कोई भारी बात नहीं है इसमें। तो ये important है
कि यहाँ पे रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन या एक्टिविटी एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ डिपेंड करता है कि एट पर्टिकुलर टाइम पे न्यूक्लिया या नंबर ऑफ एटम कितना बचा है आपका, ठीक है, या व्हाट इज द वेट, वेट से भी आप डिनोट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन वहां पे सारी चीजों पे चेंज डिपेंड करता था, ठीक है। तो अगर हम बात करूं dN by dt माइनस dN by dt किसके बराबर, लैम्डा बाय n, तो माइनस dN by n मैं यहां ले देता हूं और लैम्डा dt यहां लिख देता हूं, मैं इंटीग्रेशन करता हूं n नॉट से n तक, n नॉट से n तक, इसको कहां से करता हूं 0 से t तक, मुझे पता है ये कितने, ये कितना आएगा ln ln n आएगा, इसका कहां से कहां रहेगा n नॉट से माइनस n तक माइनस, और ये क्या होगा लैम्डा t 0 से लेकर t तक, जब इसको करेंगे तो ये कितना आ जाता है लैम्डा बराबर 1 बाय t ln n नॉट बाय n, देखो सेम फार्मूला है n नॉट बाय n, ये मेरे कौन से नंबर का फार्मूला हुआ, तीसरा नंबर का इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है। तो याद आप इसका ऐसा लिख सकते हो लैम्डा 1 बाय t ln n नॉट बाय n या 1 बाय t ln ln, ठीक है, सॉरी n नॉट n नॉट माइनस n1, ठीक है, या 1 बाय t ln w नॉट बाय w नॉट माइनस w या 1 बाय t ln a नॉट बाय a नॉट माइनस a, ठीक है, ये तीनों के फॉर्म में कर सकते हो। ये फॉर्मूला कब देगा, जब न्यूक्लिया ही आपको फॉर्म में देगा, ये फॉर्मूला तब यूज करना जब वेट के फॉर्मेशन में डिसइंटीग्रेशन हो रहा होगा, मतलब वेट के फॉर्मेशन में मतलब डिसइंटीग्रेट किया होगा या न्यूक्लिया के फॉर्म में डिसइंटीग्रेट किया होगा या एक्टिविटी के फॉर्मेशन में जब कुछ पूछा होगा तब भी आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। चलो समझ में आया सबको, ठीक है, इसका मतलब मैं इसी को रीअरेंज करूंगा, तो रीअरेंज करने के बाद एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बराबर हो जाएगा एन नॉट e रेस टू माइनस लैम्डा टी, e रेस टू माइनस लैम्डा टी, ठीक है। चलो अब डी के कांस्टेंट की हम बात करते हैं, पहले और अच्छे से सीखते हैं डी के कांस्टेंट के बारे में, ठीक है, लैम्डा। तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन सिखाऊंगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, डोंट थिंक दैट कि बोर्ड टाइम में डेफिनेशन में बहुत कॉन्सेप्ट छुपे हुए, ठीक है। तो इसको मैं दो तरीके से डिफाइन करूंगा, ठीक है, पहला तरीका मुझे पता है लैम्डा बराबर क्या होगा, माइनस डी एन बाय एन इंटू वन बाय डी टी, ठीक है, इसी को रीअरेंज किया मैंने, इसी को मैंने क्या किया रीअरेंज किया, तो मेरा कुछ इस तरीके से इस इक्वेशन को रीअरेंज किया, तो लैम्डा बराबर क्या होगा dn by n into 1 by dt हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं कि माइनस dn by n का फिजिकल मीनिंग क्या है, व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ माइनस dn by n, तो मुझे पता है dn का मतलब क्या, मतलब ये बता रहा है कि कितना नंबर ऑफ मतलब एटम डिसइंटीग्रेट किया, dn क्या बता रहा है मुझे नंबर ऑफ एटम डिसइंटीग्रेटेड, और उसको मैंने बचे हुए टोटल मॉलिक्यूल से मैंने क्या करता डिवाइड कर दिया, तो ये आपको क्या बता रहा है, दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ एटम या फ्रैक्शन ऑफ एटम डिसइंटीग्रेटेड, इसका मतलब ही क्या हुआ फिर फ्रैक्शन ऑफ एटम डिसइंटीग्रेटेड। तो आप ऐसे समझो ना बात को, बट ये dn बता रहा है एटम डिसइंटीग्रेटेड और उसको मैंने टोटल एटम से डिवाइड कर दिया, तो फ्रैक्शन ऑफ एटम डिसइंटीग्रेटेड ही हो गया, गिवन मोल को टोटल मोल से डिवाइड किया तो क्या देता था आपको मोल फ्रैक्शन देता था, तो वही ये मतलब नंबर ऑफ एटम डिसइंटीग्रेटेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम को डिवाइड करें तो फ्रैक्शन ऑफ एटम क्या हो जाएगा डिसइंटीग्रेटेड हो जाएगा मेरा, ठीक है। और अगर मान लो इफ dt इज इक्वल टू 1 सेकंड, इफ dt इज इक्वल टू 1 सेकंड, तो मेरा क्या हो जाएगा लैम्डा कैसे डिफाइन होगा, लैम्डा को मैं बोल सकता हूं लैम्डा इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ एटम डिसइंटीग्रेटेड, सॉरी फ्रैक्शन ऑफ एटम डिसइंटीग्रेटेड पर यूनिट टाइम, तो मैं लिख सकता हूं हंस lambda is defined as fraction of atom disintegrated per unit time, per unit time में मेरा कितना disintegrate हुआ है, ठीक है। चलो इसके बाद जो मेरा next है
सेकंड मेथड मेरा क्या है, सपोज करो अगर मैंने ऐसे मैंने माना कि लेट टी इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा, ऐसे मैंने माना लेट लेट टी बराबर 1 बाय लैम्डा, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, एन नॉट ई रेज टू माइनस लैम्डा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बाय टी इंटू टी मतलब कितना हो जाएगा, इतना एन बराबर क्या हो जाएगा, एन नॉट बाय ई, एन नॉट ई का पावर माइनस वन, तो ई का पावर माइनस वन क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। और मुझे पता है एन नॉट बाय ई, ई की वैल्यू कितनी होती है, टी 2.3 0.3 और डिवाइडेड बाय करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 0.37 एन नॉट, मतलब जो मेरा है ये ऑलमोस्ट 0.37 मतलब कितना 37% एन नॉट इनिशियल का बचा है, मतलब 63% मेरा क्या हो चुका है, डिसइंटीग्रेट हो गया। तो मैं बोल सकता हूं इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम एट विच 37% ऑफ द एटम इज रिमेनिंग या 63% ऑफ द एटम इज डिसइंटीग्रेटेड, उसको मैं क्या बोल सकता हूं, लैम्डा बोल सकता हूं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस चीज को। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं hence lambda is also defined as, hence lambda is also defined as, hence lambda is also defined as reciprocal of time which in which, देखो 0.37 n not n ये क्या रिप्रेजेंट करता है, उस पर्टिकुलर टाइम पे कितना नंबर ऑफ न्यूक्लियस बचा है, कितना नंबर ऑफ एटम बचा, तो कितना बचा 0.37 टाइम्स ऑफ n not, मतलब 37% ऑफ इनिशियल, यही होना 37% इनिशियल का बचा, मतलब 63% क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, 37 बचा मतलब खत्म होने वाला, 63% डिसइंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, तो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम इन व्हिच 63% ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट 63% ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिसइंटीग्रेटेड और 37% रिमेन्स। ठीक है, इसका यूनिट क्या आ जाएगा, देखो यूनिट तो मेरा ऑब्वियस से बात है इसका टाइम इनवर्स ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये रेशियो तो क्या होता है, अगर आप यहाँ से देखो तो ये रेशियो कांस्टेंट है, तो ये ऑब्वियस से पता है टाइम इनवर्स इसका क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। आई बात समझ सबको। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टाइम आता है टाइम रिलेटेड टू रेडियो एक्टिविटी क्या है भैया, पहला टाइम तो जो हमने सब में पढ़ा है, पहला टाइम होता है हाफ लाइफ टाइम जिसको हम टी हाफ या टी 50% से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मुझे पता है डेफिनेशन में नहीं लिखा रहा था टाइम एट विच 50% ऑफ द एटम्स आर डिसइंटीग्रेटेड, दैट्स समथिंग बट हाफ लाइफ टाइम। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि एट टी हाफ एन बराबर क्या हो जाएगा, एन नॉट बाय टू, एन बराबर क्या हो जाएगा, एन नॉट बाय टू, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, 1/t½ ln n0/n0/2, तो यहां से मेरे को क्या पता चलेगा, t½ का वैल्यू बदलेगा ln 2/λ, सेम फर्स्ट ऑर्डर जैसा फॉर्मूला। ठीक है, सेकंड जो इंपॉर्टेंट टाइम है वो है मेरा एवरेज लाइफ टाइम। ठीक है, एवरेज लाइफ टाइम मतलब जिस टाइम पे मेरा 63% डिसइंटीग्रेट हो जाए पूरा का पूरा या 37% बचे, वो मेरा क्या हो जाता है, एवरेज टाइम हो जाता है। ठीक है, तो इसका मैं लिख देता हूं टाइम इन विच 63% ऑफ एलिमेंट डिसइंटीग्रेट 63% ऑफ एलिमेंट डिसइंटीग्रेट और 37% रिमेन। ठीक है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, एवरेज लाइफ टाइम, या ऐसा कि हम इसको बोल सकते हैं नंबर ऑफ एटम रिमेन आर 1/e टाइम ऑफ ओरिजिनल। इसको भी मैं ऐसे भी बोल सकता हूं जिस टाइम पे इनिशियल नंबर ऑफ एटम जो बचा है वो 1/te टाइम्स ऑफ ओरिजिनल का हो जाए,
वो टाइम भी मेरा क्या होता है, एवरेज टाइम होता है, ठीक है। इसका मतलब होगा एट टी एवरेज क्या हो जाएगा, एन बराबर क्या हो जाएगा, एन नॉट बाई ई। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, वन बाई टी एवरेज, वन बाई टी एवरेज, एन नॉट बाई ई। एन नॉट कैंसिल हो जाएगा, एल एन और ई ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब टी एवरेज जो होगा वो हो जाएगा मेरा वन बाय लैम्डा, क्या हो जाएगा, वन बाय लैम्डा। तो ये भी अपने आप में क्या है, एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, तो इसको भी पहले बच्चा को क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है मेरा, इसी में इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा रिलेशनशिप बिटवीन टी एवरेज एंड टी हाफ, ठीक है। टी एवरेज और टी हाफ का रिलेशन करना है। मुझे पता है टी हाफ बराबर होता है 0.693 बाय लैम्डा, और टी एवरेज बराबर क्या होता है, 1 बाय लैम्डा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, टी एवरेज को डिवाइड कर दे रहा हूँ मैं। टी एवरेज को अगर मैंने डिवाइड किया टी हाफ से, तो ये कितना हो जाएगा, 1 बाय लैम्डा हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 0.693 बाय लैम्डा। तो ये कितना है, 1 बाय 0.693। इसका मतलब टी एवरेज जो होगा 1.1 बाय 0.693 होता है 1.44 अप्रोक्सीमेटली। तो मतलब किसी का भी टी हाफ किसके बराबर होता है, 1.44 टाइम्स ऑफ उसके हाफ लाइफ के बराबर होता है, ठीक है। चलो तो इसके बाद हम देखेंगे जो है नेक्स्ट हमारा है ग्राफ्स। आखिर इसमें ग्राफ कौन कौन से हैं, तो इसमें भी ग्राफ बहुत सारे आपको पढ़ने हैं, और जो कि इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। ठीक है, चलो इसमें पहला है ग्राफ एक्टिविटी, एक्टिविटी और नंबर ऑफ एटम का। एक्टिविटी, एक्टिविटी है सिंपल सी बात, रेट, ठीक है, और टाइम का। तीसरा है एल एन, एन वर्सेस टाइम का, नंबर ऑफ एटम वर्सेस टाइम का, और हाफ लाइफ वर्सेस नंबर ऑफ एटम। देखो सिंपल सा है, नंबर ऑफ एटम की जगह आप कंसंट्रेशन कंसिडर कर सकते हो, और एक्टिविटी की जगह रेट कंसिडर कर सकते हो। तो रेट ऑफ कंसंट्रेशन का क्या फॉर्मूला होता था, उसमें आर इक्वल टू के ए, मतलब वाई इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ होता था। तो यहाँ पे कैसा होगा ग्राफ, स्ट्रेट लाइन, तो माइनस डी एन बाय एन इज इक्वल टू लैम्डा, डी एन बाय डी टी इज इक्वल टू लैम्डा एन, ये फॉर्मूला है मेरा, ठीक है। अब एक्टिविटी वर्सेस टाइम, तो मुझे पता है एक्टिव वर्सेस टाइम, ऑब्वियस से बात है, रेट ऑफ एक्टिविटी और रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम कैसे एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। मुझे पता है डीएन बाय डीटी इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा इनटू एन नॉट ई रेज टू माइनस लैम्डा टी। तो ये ऑब्वियस से ग्राफ कैसा रहेगा, एक्सपोनेंशियल रहेगा ये। और अगर टाइम 0 पुट करता हूं मैं, तो ये मैक्सिमम वैल्यू कहां से चालू होगी, लैम्डा एन नॉट से चालू होगी, ठीक है। लैम्डा एन का ऑब्वियस से होता है वाई इक्वल टू एमएक्स माइनस सी का ग्राफ का, ये वाला ग्राफ रहेगा, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला भी पता है, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल एन एन इज इक्वल टू एल एन एन नॉट माइनस लैम्डा टी, ठीक है। नंबर ऑफ एटम, ये भी ऑब्वियस बात है, कैसा एक्सपोनेंशियली ग्राफ रहेगा, तो ये कुछ ऐसा रहेगा, एन नॉट से चालू होगा, एन बराबर क्या हो जाएगा, एन नॉट ई रेज टू माइनस लैम्डा टी, ठीक है। टी हाफ ऑब्वियस बात है, इस तरीके से रहेगा। तो ये सारे ग्राफ होते हैं मेरे किसके, रेडियोएक्टिव के, ठीक है। ओके, नाउ सिग्निफिकेंस हाफ लाइफ का, ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आखिर सिग्निफिकेंस क्या होता है। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ हाफ लाइफ टाइम ऑफ रेडियोएक्टिव,
सिग्निफिकेंस ऑफ हाफ लाइफ टाइम ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट. रेडियो एक्टिव, समझो बात को. वहां पे कोई हाफ लाइफ टाइम का सिग्निफिकेंस नहीं था फर्स्ट ऑर्डर के लिए. आप अगर गौर से करोगे तो मैंने फर्स्ट ऑर्डर का सिग्निफिकेंस बताया था, उनके कैरेक्टरिस्टिक बताए थे, बट कोई हाफ लाइफ का नहीं था. बट यहाँ पे है, और ये अपने आप में क्या होता है कि इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, तो पहला तो आपको पता ही होगा हाफ लाइफ ऑलरेडी फिक्स होता है. रेडियो एक्टिव एलिमेंट का हाफ लाइफ फिक्स होता है, वहां पे फिक्स नहीं होता, क्योंकि देखो वहां पे फॉर्मुला होता है 0.693/K. तो जैसे टेम्परेचर कैटलिस्ट लगा दोगे या चेंज कर दोगे, तो इसका मतलब K की वैल्यू चेंज हो, K की वैल्यू चेंज होगी, मतलब हाफ लाइफ भी फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का चेंज हो जाएगा. बट यहाँ पे किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का हाफ लाइफ क्या होता है, फिक्स होता है. ठीक है, और क्या होगा, जैसे सपोज करो ये ब्लैक वाला ये ब्लू वाला है, इसका हाफ लाइफ 15 मिनट और इसका हाफ लाइफ 30 मिनट, इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? ऑब्वियस बात है, ये 15 मिनट में आधा हो जा रहा है, ये 30 मिनट में आधा हो रहा है, मतलब ये ज्यादा स्टेबल है. ऑब्वियस ये जल्दी से डिसइंटीग्रेट नहीं कर रहा, जो जल्दी से डिसइंटीग्रेट कर रहा है इसका मतलब क्या, कम टाइम में डिसइंटीग्रेट का मतलब अनस्टेबल है. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके, कुछ आपको याद रखने हैं. ठीक है, और लिख देता हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हाफ लाइफ टी हाफ ऑफ एनी रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है, टी हाफ ऑफ एनी रेडियो एक्टिव एलिमेंट, टी हाफ ऑफ एनी रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज ऑलरेडी फिक्स्ड, इज ऑलरेडी फिक्स्ड, इज ऑलरेडी फिक्स्ड एंड इट डज नॉट चेंजेस एंड इट does not changes with any factor it does not changes with any factor, that is temperature and catalyst. ठीक है, higher is the T half of any radioactive, higher is the T half of any radioactive element, more will be stability, more will be stability of radioactive एलिमेंट. ठीक है, तीसरा पॉइंट ये आपको मैंने हालांकि फर्स्ट ऑर्डर में ही बताया, जो ऐसा टेक्निक बताया था, नंबर ऑफ एटम रिमेनिंग आफ्टर टाइम टी एंड हाफ लाइफ. ठीक है, तो क्या होता है, n बराबर क्या होता है, n नॉट को बाय 2 का पावर n, ये मैंने पहले ही बताया, जो n कैसे निकलता है, t गिवन बाय t हाफ. ठीक है, जो गिवन टाइम है उसको हाफ लाइफ से डिवाइड कर दो, आपको क्या मिलेगा, हाफ लाइफ है. तो यही पैसेज टाइमिंग का भी यूज आएगा. ठीक है, t 50% ऑलरेडी मेरा क्या होता है, t 50% होता है मेरा 1 t हाफ होता है, t 25% मेरा क्या होता है 0.415 ऑफ t हाफ होता है. ठीक है, T75% आपको क्या होता है 2 times of T half होता है. ठीक है, T87.5% कितना होता है 3 times of T half होता है. ठीक है, T93.75% कितना होता है 4 times of T half होता है. T90% कितना होता है, ये होता है 10/3 times of T half होता है. ठीक है, T99% और T99.9%, तो ये कितना होता है 10 times of T half होता है. T99% आपका हो जाता है 20/3 times of T half. ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा, डायरेक्ट आपका से भी टाइमिंग आप याद रखिए, आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके क्या हो जाता है, ऐसे ही होता है. ठीक है, तो बस आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी चीजें नेक्स्ट क्लास में करेंगे. बस ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बिलीव में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आपको डायरेक्ट सॉल्व करने की जरूरत है, मतलब आप डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो, कोई इशू नहीं. ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी, थैंक यू वेरी मच. बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट आपका लास्ट लेक्चर होगा रेडियो एक्टिविटी का.